दोस्तों, हम यहाँ पर न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के स्टॉल पर आए और क्या क्या न्यू स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर, व्हाट्स योर गुड नेम? आई एम जोशुआ फर्नांडिस एंड आई एम एन एबीवी ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम्स एंड न्यू स्पेस। बताएंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, तो हमारे यहाँ पे कई सारे सिस्टम्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मेरा हिंदी इतना फ्लुएंट नहीं है, ठीक है। तो पहले हम अपने मल्टी न्यूरल सिस्टम से शुरू करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये बलुगा है, ये एक पेट्रोल इंजन पे चलता है और 3 घंटे का एंड्योरेंस है। और ये इसकी खूबियत है कि हमारा स्वार्मिंग पोर्टफोलियो के अंदर आता है। तो स्वार्मिंग के अंदर बलुगा आता है और आगे हम देखेंगे मैकरेल और निम्बस भी आते हैं, ठीक है। तो स्वार्मिंग का मतलब ये सारे एक साथ काम कर सकते हैं, उनके डिसीजंस वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके कर सकते हैं। आप उनको एक एरिया कुछ स्कैन करना हो तो वो लोग स्कैन कर लेंगे और जो भी टास्क है वो लोग साथ में बातचीत करके कर लेंगे। और बेस्ट पार्ट ये कि ये एक ही ऑपरेटर से सारा सिस्टम कंट्रोल हो सकता है। यूजली एक ड्रोन के लिए एक पायलट होता है, एक ऑपरेटर, बट यहाँ पे एक पायलट से कई सारे ड्रोन कंट्रोल हो सकते हैं, ठीक है। ये यूज़ केस के हिसाब से है, बट ये लोड कैरेज कर सकता है, आप ISR कर सकते हो, बहुत अगर दूर जाना है। और कितना मतलब रेंज? ये टोटल 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर जाके और आना 60 किलोमीटर। बट अबाउट द इंड्यूरेंस टाइम? 3 घंटे का और पेट्रोल पे चलता है, तो पेट्रोल पे चलता है तो इसलिए ज़्यादा रेंज और इंड्योरेंस मिलता है। कोई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन? कॉस्ट अभी तो वो स्केल पे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आ जाएगा, बट अभी हाँ ये इंडियन आर्मी को सप्लाई हो चुका है, ठीक है। क्या नाम है? बलुगा। हाँ, लोड कैरेज और एक्सप्लोजिव भी कैरी कर सकता है। हाँ, बट वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर है, बट हाँ कह सकते हैं। कैपेसिटी कितनी है? ये 5 kg तक कैरी कर सकता है, बट फिर उसका रेंज और एंड्योरेंस कम हो जाएगा जितना। हाँ, अप टू 5 kg ले सकता है। कम लोगे तो ज़्यादा रेंज एंड्योरेंस मिलेगा, ज़्यादा लोगे तो उतना कम हो जाएगा। की पर्पस जी, अब ये वाला प्रोडक्ट कौन से हैं आपके? नहीं, अभी हम फिर भी ये मल्टी रूट पे फोकस करेंगे। तो इसका नाम है मैकरेल, ये हमारा छोटा एयरक्राफ्ट है। ये इसका खूबियत है कि ये कामिकाजी स्ट्राइक कर सकता है, ओके। तो ये जो है बलुआ के नीचे, बलुआ इसका मदर शिप कहते हैं इसको, और ये चाइल्ड ड्रोन होता है फिर उसके बाद। तो क्या होता है कि ये बलुआ इसको उठा के आगे जा सकते फील्ड में। तो जब हम चाहते हैं इसको डिप्लॉय करके, ये एक डाइव करके जो जहाँ पे टारगेट है उस पर अटैक कर सकता है। मतलब ये कैमिकाजी उसमें काम कर सकता है ये, ओके। और ये एक्सप्लोसिव कितना ले जा सकता है? ये एक्सप्लोसिव मतलब 300-500 ग्राम मैक्सिमम। हाँ, और कॉम्बैट के हिसाब से बहुत बढ़िया वो रहेगा। इसका नाम क्या बताया आपने? मैकरेल। इसका इस्तेमाल हो रहा है अभी कहीं? ये बस अभी डिप्लॉय हो ही रहा है, मतलब ट्रायल्स चल रहे हैं। तो ये है निम्बस, इसका नाम है निम्बस, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है, इसकी खूबियत है कि ये हाई एल्टीट्यूड पे उड़ सकता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे कितना? टेस्टिंग हमने 7000 meters एल्टीट्यूड पे भी किया है। रोल क्या है इसका? रोल ये हाई एल्टीट्यूड पे सेम कैपेबिलिटी, तो लोड तो कम ले सकते बलुआ के मुकाबले, मगर ये फिर भी 1 hour एंड्योरेंस देता है हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा मुश्किल होता है ड्रोन्स को वहाँ ज़्यादा परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि वो हवा पतला होता है, तो बहुत थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका डिज़ाइन। और तो वो एल्टीट्यूड पे वो ISR भी कर सकते हो, लोड कैरी भी कर सकते हो। लोड ये मैक्सिमम 2 kg तक ले सकता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि पहाड़ों में, क्योंकि अगर सोल्जर या किसी को सामान इधर उधर पहुँचवाना है या कुछ करना है तो रोड के थ्रू बहुत मुश्किल होता है, बट ये ड्रोन से।
ये वाला प्रोडक्ट बहुत देखा गया है अक्सर जब न्यू स्पेस की कोई भी न्यूज़ आती है कि ये भारत लॉन्च नॉइटिंग मिशन है, ये काफ़ी गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, ये कैसे वर्क करता है? तो ये एक लॉटरी म्यूनिशन है, इसके दो फॉर्म्स हैं, एक तो बैरल लॉन्च है और एयर लॉन्च का भी वर्शन है। तो आइडिया ये है कि ये भी स्वॉर्मिंग कर सकता है, तो आप इनको रिलीज़ करके, ये लॉटरी म्यूनिशन का ये बेनिफिट है कि वो एरिया के ऊपर लॉटर करेगा जहाँ बैटल फील्ड है या कुछ इंटेलिजेंस है आपको, तो वो बहुत जल्दी से दूर जाके एरिया को स्कैन करके आपको फीडबैक दे देगा और आप जब चाहो उसको कैमिकाज़ी मोड में अटैक भी कर सकते हो। दो पर्पस, सर्विलांस और रिकॉग्नाइज करने का एंड सेकंड वन स्ट्राइक मिशन। तो कितने लोगों की जरूरत होती है? ये डिज़ाइन हो रहा है कि दो लोग इसको, दो लोग से हाँ कैरी करके इनका इनका पूरा सेटअप हो सकता है, बट अगेन यूज केस के हिसाब से अगर आपको कोई और प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करना हो तो उस हिसाब से और लोग चाहिए। सिंगल शॉट बारी में एक ही को लॉन्च किया जा सकता है या फिर? हाँ हाँ, बट आई मीन इसके अलग लॉन्च मैकेनिज्म है जहाँ मल्टीपल को एक साथ उसका अलग का अलग तरीके का लॉन्च डिज़ाइन है, बट हाँ हाँ। तो ये बताइए कि इसकी रेंज कितनी? तो ये 150 किलोमीटर का रेंज तक जा सकता है जी, और हाँ टोटल एंड्योरेंस 60 मिनट्स का है, तो वहाँ दूर जाके वो लॉइटर कर सकता है, फिर डिपेंड करता है कहाँ पे इसको अपना स्ट्राइक करना है। और ये इसको वापस भी लाया जा सकता है? लाया जा सकता है, बट क्योंकि ये डिज़ाइंड है एक्सप्लोजिव के साथ तो इसको पैराशूट से रिकवर हो जाएगा। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि कई बार चीज़ें ये भी देखी जाती है कि भाई कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखते हुए कि भाई जब हमें पता है कि भाई ये टारगेट हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है तो ऐसे में उसको सेफली वापस कैसा लाए? हाँ जी हाँ, तो हाँ ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो डिज़ाइन में हाँ, तो हमने डिज़ाइन में इसका बहुत ध्यान रखा है कि ये ड्रोन ये जब रिकवर करना तो उसमें सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पैराशूट रिकवरी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें।